रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। भारत में पूरी तरह बैन संस्था पीएफआई के एजेंट्स लखनऊ समेत भारत के कोने कोने में अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। पीएफआई के सदस्यों की घनी आबादी में गहरी पैठ बताई जाती है। खासकर यूपी की राजधानी लखनऊ के आश्रमों का प्रधान अरशद इस नेटवर्क को अच्छी तरह से फैला रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पीएफआई का लखनऊ में फैला जाल, शातिर अरशद ने फैलाया पीएफआई का नेटवर्क। अरशद की सुरक्षा एजेंसियां कर रही तलाश। युवाओं को गांव-गांव ट्रेनिंग देकर केरल भेजने की कर रहा तैयारी। मुस्लिमों पर अत्याचार के नाम पर युवाओं को किया जा रहा गुमराह। देश में पीएफआई के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर एटीएस का पीएफआई के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी अभियान के बीच एटीएस टीम ने वाराणसी से दो इनामी परवेज अहमद और रईस अहमद को गिरफ्तार किया था। वाराणसी से गिरफ्तार हुए परवेज और रईस के मंसूबे काफी खतरनाक थे। दोनों मिलकर काफी दिनों से मुस्लिम युवाओं को भड़काऊ मैसेज भेज रहे थे। इसके साथ ही परवेज और रईस प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में हुई अतीक अशरफ की हत्या समेत यूपी से जुड़े हर मामलों को इस्लाम पर हमले से जोड़कर मुस्लिम युवाओं को भड़का रहा था, जिससे कि मौका पड़ने पर प्रदेश का माहौल खराब किया जा सके। बीते कई दिनों से जांच एजेंसियां दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट और मोबाइल मैसेज पर नजर रखे हुए थी। केंद्र सरकार द्वारा बैन की गई संस्था पीएफआई ने अपना नेटवर्क राजधानी लखनऊ में भी पूरी तरीके से फैला रखा है, जिसमें बताया जा रहा है कि गुड़म्बा, सैरपुर, इंदिरा नगर, बीकेटी और इटौंजा जैसी घनी आबादियों में इनकी गहरी पैठ है। इतना ही नहीं, जो इलाके बात की जाए वजीरगंज, चौक, कैसरबाग की घनी आबादियों में भी इनकी पैठ मजबूत होती जा रही है, क्योंकि इनका नेटवर्क लगातार वहां पर फैलता हुआ भी दिख रहा है। बताया जा रहा है कि लाटिस रोड स्थित एक होटल है जहां पर कई बार बैठक भी की गई है, जिसमें युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा था और उनको इस संगठन से जुड़ने के लिए उत्साहित भी किया जाता रहा है। फिलहाल जिस तरीके से पीएफआई के खिलाफ जो एटीएस का अभियान चल रहा है, इसमें बीकेटी का जो अतरामऊ गांव है वहां का प्रधान अरशद इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था, ऐसी जो बात सामने आ रही है इसको लेकर एटीएस जो है वो लगातार इस मामले को लेकर साल भर में दूसरी बार अतरामऊ गांव में छापेमारी कर चुकी है। लेकिन अतरामऊ का ग्राम प्रधान जो अरशद है वो फरार चल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क को राजधानी लखनऊ में ग्राम प्रधान अरशद के द्वारा फैलाया जा रहा था। इसके साथ ही जो युवा हैं उनको भी भड़काने का काम किया जा रहा था, जिसके कारण इनको पूरी ट्रेनिंग देने के साथ इनको केरल भेजने की भी तैयारी की जा रही थी। फिलहाल एटीएस की टीम इस मामले पर पूरी तरीके से सक्रिय है और लगातार छापेमारी भी कर रही है। तो इसके साथ जो बताया जा रहा है कि प्रधान अरशद की भी तलाश में जगह जगह दबिशें भी जारी हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के बाद कई अहम राज भी खुलने की बात सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि पीएफआई पर केंद्र सरकार के बैन लगाने के बाद से उसके एजेंट पीएफआई से सहानुभूति रखने वाले युवाओं को जोड़ने में जुटे हुए थे। वहीं अगर इस मामले पर सूत्रों की माने तो इसका आदेश केरल स्थित पीएफआई हेडक्वार्टर के पदाधिकारी दे रहे थे। सीईए और एनआरसी मामले के समय से ही परवेज और रईस काफी सक्रिय थे। इसके साथ ही ये दोनों लोग पीएफआई, सीएफआई और एडीपीआई के पदाधिकारियों और उनके एजेंटों के संपर्क में रहकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। एटीएस ने दोनों के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है, ताकि अहम जानकारियां हासिल हो सके। देश के खिलाफ विरोधी गतिविधियों को लेकर जिस तरीके से परवेज और अरशद की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि वो इनामी भी थे और जिस तरीके से उनकी वाराणसी से गिरफ्तारी हुई तो उनसे जिस तरीके से पूछताछ हुई है, तो उसमें कई अहम खुलासे भी सामने आए हैं, क्योंकि उनका मंसूबा काफ़ी खतरनाक था। उनके द्वारा युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा था। इसके साथ ही उन्होंने प्रयागराज में हुए माफिया बिरदस अतीक और अशरफ के हत्याकांड को लेकर भी मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम किया था। कई तरह के जो हमले हैं उनको मुस्लिम से जोड़ करके युवाओं को भड़काने का इन लोगों के द्वारा काम किया जा रहा था। इतना ही नहीं, ये दोनों रईस और परवेज जब एनआरसी सीए का मामला आया था तब भी ये काफ़ी सक्रिय देखे गए थे।
जिस तरीके से एटीएस की टीम इस मामले में लगातार अपनी छापेमारी कर रही है, तो इसमें लगभग 75 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, जिनसे पूछताछ भी की जा रही थी। इसी दौरान राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद से एक वकील मोहम्मद शुएब को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, उसके बाद बॉन्ड भरवाकर उन्हें छोड़ दिया गया। फिलहाल जिस तरीके से वकील जो हैं मोहम्मद शुएब, उनके ऊपर आरोप है कि उनके द्वारा लगातार पीएफआई से संबंधित जो आरोपी जेल में बंद हैं, उनकी जमानत के लिए लगातार इनके द्वारा पैरवी भी की जा रही थी, और इसको लेकर ये कई बार दिल्ली भी जा चुके हैं। लेकिन इसके साथ बताया जा रहा है कि एटीएस की टीम मोहम्मद शुएब के मामले पर भी लगातार निगाह बनाए हुए है और उनके मामले पर जांच पड़ताल भी कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि मोहम्मद शुएब को जो फंडिंग हो रही थी पीएफआई के आरोपियों की गिरफ्तारी में जमानत अर्जी के लिए, वो फंडिंग पर भी एटीएस अपनी मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से पीएफआई का पूरा नेटवर्क फैलता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ एटीएस की टीम इस मामले पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए जगह जगह दबिशें भी दे रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर भी रही है। लेकिन जो बड़ा नेटवर्क या जो बात की जाए मास्टरमाइंड, जो पूरा नेटवर्क लखनऊ में चला रहा है प्रधान अरशद, वो अभी एटीएस की गिरफ्त से दूर है। आखिर वो कब तक गिरफ्तार होगा और इसके बाद इसके कितने एजेंट और गिरफ्तार होंगे? वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी लखनऊ। तो पीएफआई को भले ही बैन किया जा चुका है, लेकिन जो इसके सदस्य है वो लगातार एक्टिव है और लगातार छापेमारी की कार्रवाई के जरिए सभी सदस्यों को गिरफ्तार करने का और तमाम जो राज उनके पास छुपे हैं उसको भी बाहर निकालने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। हमारे खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।